नमस्कार दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों का सीरीज चल रहा है, जिसमें तीसरा मुकाबला शुरू होगा 24 फरवरी बुधवार को। कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। अभी सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत और इंग्लैंड सीरीज को लेकर बड़े बड़ी न्यूज और अपडेट्स मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिलाकर 10 अपडेट्स आपको बताने वाला हूं, जो कि यदि आप क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आपको इन अपडेट्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड अपडेट्स की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर दिन आपके लिए इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए 10 अपडेट्स मिलते हैं आपको। तो इस अपडेट सीरीज का यह 9वां पार्ट है। इसके साथ ही वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। बिना समय गवाए चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों कल बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित कर दिया है। 12 मार्च से टी20 सीरीज शुरू होगा। कुल मिलाकर 5 टी20 होंगे। सारे के सारे मैच आपको मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलेंगे, जो अहमदाबाद में है। स्क्वाड की बात की जाए तो कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिलने वाले हैं इस स्क्वाड में, जो काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे अपने इंडिया में डेब्यू का। इसमें नाम निकल कर आता है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का। इसी के साथ नाम आता है राहुल तेवतिया का, जो राजस्थान रॉयल्स से काफी ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में थे। हालांकि जसप्रीत बुमराह को आराम दे दिया गया है, वह लगातार बहुत सारे मैच खेलते आ रहे हैं और उन्हें तो आराम देना ही चाहिए था। वरुण चक्रवर्ती को भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए आपको बता देते हैं उन्हें सदस्य वाली इस स्क्वाड के खिलाड़ियों के नाम। विराट कोहली कैप्टन रहेंगे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सूर्य कुमार यादव को लेकर। सूर्य कुमार यादव डोमेस्टिक सर्कल में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऑस्ट्रेलिया में हो रहे टूर्नामेंट में नहीं चुना गया था, जिसके बाद काफी सारे सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर उन्हें क्यों नहीं चुना गया। और जैसा कि हमने आपको अपने पहले अपडेट में बताया है कि सूर्य कुमार यादव टी20 सीरीज का हिस्सा रहेंगे, तो क्रिकेट जगत के सभी दिग्गज और सभी फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव का इंतजार खत्म हो गया है। इरफान पठान, हरभजन सिंह, आरपी यादव जैसे दिग्गज इसमें शामिल थे। सूर्य कुमार यादव के साथ साथ मुंबई इंडियंस के उनके टीम मेट ईशान किशन को भी मौका मिला है। ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में हाल ही में 174 रन बनाए हैं सिर्फ 94 गेंदों में, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल तेवतिया को भी मौका मिला है, और राहुल तेवतिया ने इसे लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह काफी ज्यादा खुश हैं, उन्हें मौका मिला है टीम इंडिया में और वह इंतजार नहीं कर सकते विराट कोहली के साथ खेलने के लिए और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए। राहुल तेवतिया ने पहले भी बताया है कि वह विराट कोहली के बहुत ही बड़े फैन है और वही उनके क्रिकेट के आइडल भी रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के अहमदाबाद पहुंचने को लेकर। पहला और दूसरा टेस्ट मैच आपको चेन्नई में देखने को मिला था, और बाकी के बचे 2 टेस्ट मैच आपको अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। और ऐसे में भारतीय टीम कल अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों ने ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों के अहमदाबाद पहुंचने की जानकारी दी है, जहां पर बीसीसीआई ने लिखा है कि हेलो टीम इंडिया अहमदाबाद। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है उमेश यादव की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा टेस्ट मैच जो होने वाला है वह डे और नाइट टेस्ट मैच होगा। इसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि पिंक बॉल तेज गेंदबाजों के लिए वरदान है। पिंक बॉल बहुत अच्छा स्विंग और स्विंग करता है। ऐसे में भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में उमेश यादव को जोड़ना चाहते हैं, जो कि एक फास्ट गेंदबाज है जो कि पिंक बॉल की कंडीशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। पर उमेश यादव के साथ दिक्कत यह है कि वह चोटिल हो गए थे और पहला और दूसरा टेस्ट मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था इसी वजह से। लेकिन आज रविवार को उनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है, और आज यदि वह पास कर जाते हैं इस फिटनेस टेस्ट में तो वह तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए अप्रूव कर दिए जाएंगे, और फिर वह बुमराह और ईशान शर्मा के साथ टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और भारत को तीसरा टेस्ट मैच में जिताने में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में पहले मैच को लेकर। दोस्तों सभी खिलाड़ी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने भी मोटेरा स्टेडियम को देखा, चाहे वह भारतीय खिलाड़ी हो या तो फिर इंग्लैंड के खिलाड़ी, सभी हैरान और आश्चर्यचकित है मोटेरा स्टेडियम की खूबसूरती को लेकर। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और 110,000 दर्शक एक बार में यहाँ पर मैच देख सकते हैं। सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर इस स्टेडियम को देखने के बाद इसकी तारीफ की है, जहां पर बेन स्टॉक्स ने लिखा है कि क्या स्टेडियम है और स्टेडियम में लोकल गीत में प्रैक्टिस करने का मजा ही अलग है। ऋषभ पंत ने ट्वीट किया है कि मोटेरा स्टेडियम बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम है, यहां का फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है और उन्हें गर्व हो रहा है कि ऐसा स्टेडियम अहमदाबाद भारत में है। हार्दिक पांड्या ने भी इस स्टेडियम को लेकर ट्वीट किया है कि पहला बात तो यह कि स्टेडियम बहुत ही झकास है, ऊपर से यहां का जो
जिम सेटअप है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वह भी उम्मीदों से बहुत ज्यादा बढ़कर है। तो इस तरह से कई खिलाड़ियों ने अपने अपने ट्विटर पर या तो सोशल मीडिया पर स्टेडियम को लेकर तारीफों की पुल बांधे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को लेकर। आपको बता दें कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट भारत के साथ होने वाले वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं रहने वाले। भारत के साथ इंग्लैंड 3 वनडे मैच खेलेंगे। वनडे मैच शुरू होगा 23 मार्च को और खत्म होगा 28 मार्च को। जो रूट को T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया नहीं गया है और बहुत कम चांस है कि इंग्लैंड का बोर्ड उन्हें वनडे मैचों में मौका देगा। इंग्लैंड बोर्ड अभी रोटेशन की पॉलिसी चला रहा है जिसमें उनका मानना है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों को आराम देना है। जो मल्टी फॉर्मेट खिलाड़ी होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना है और उनके आराम को सुनिश्चित करना है क्योंकि सभी खिलाड़ी इस साल वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है शोएब अख्तर की तरफ से। आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने आने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने इस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि भारत तीसरा टेस्ट मैच जो पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा उसे जरूर जीतेगा। इंडिया अपना जीत का मोमेंटम जारी रखने वाला है तीसरे टेस्ट मैच में भी और इंग्लैंड को हराने के बाद इंग्लैंड को डिमोरलाइज कर देंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी, जिसकी वजह से इंडिया आराम से बाकी के बचे टेस्ट मैच भी जीत जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि शोएब अख्तर जो है उनकी भविष्यवाणी सही रहे। इस तरह भविष्यवाणी उन्होंने अपने YouTube चैनल पर किया है। हालांकि ऐसा भी आजकल देखा जा रहा है कि शोएब अख्तर कुछ ज्यादा ही भारत की तारीफ करते हैं और कुछ ज्यादा ही भारत का साइड लेते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है जॉनी बेस्टो के तीसरे टेस्ट मैच में खेलने को लेकर। आपको बता दें कि पहले दो टेस्ट मैच में जॉनी बेस्टो नहीं खेले थे। असल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका में चल रहे इंग्लैंड के साथ जो सीरीज था उसके बाद जॉनी बेस्टो को इंग्लैंड भेज दिया था और आने वाले दो टेस्ट मैच में जॉनी बेस्टो टेस्ट मैच खेलेंगे भारत के साथ। हालांकि क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से काफी ज्यादा खफा हैं। इनमें से नाम आता है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोफ्री बॉयकॉट का। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि वह अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को भारत के साथ नहीं खिला रहा है, जिसकी वजह से दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को करारी हार मिली थी। और सिर्फ हार ही नहीं बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जॉनी बेस्टो के कैरियर के साथ भी खेल रहा है। इसके साथ ही जॉस बटलर भी पहला टेस्ट मैच खेलकर चले गए। तो इस तरह की पॉलिसी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के साथ कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने वाला है इंग्लैंड को। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच जो चेन्नई में हुआ था उसके पिच को लेकर काफी ज्यादा बवाल उठ रहा है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मानना था कि पिच काफी ज्यादा खतरनाक था और उस पर टेस्ट मैच खेलने के लायक वह पिच नहीं था। हालांकि अब इसका जांच होगा और इसका रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आएगा। वह टेस्ट मैच भारत तो जीत गया था लेकिन यदि रिपोर्ट आता है कि पिच पुअर था तो हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया का जो रैंकिंग है उस पर असर पड़े और जो दूसरे नंबर पर टीम इंडिया पहुंच चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके कुछ पॉइंट काट दिए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पिच को लेकर वासिम जफर ने एक फोटो पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां पर उन्होंने एक तरफ चेन्नई का पिच डाला और दूसरी तरफ चांद का सतह डाला है और उन्होंने चेन्नई के पिच का मजाक उड़ाया। वहीं चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि जब वह खेल रहे थे तब कहीं से नहीं लग रहा था कि पिच डेंजरस है या तो फिर पुअर क्वालिटी का पिच है, वह नॉर्मल पिच ही था। चलिए देखते हैं अपना दसवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है मोटेरिया स्टेडियम में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के टिकट को लेकर। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि भारत में इस टेस्ट मैच को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है। सौरव गांगुली ने इस बात की आधिकारिक घोषणा की है कि जो तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है उसके सारे के सारे टिकट बिक चुके हैं। 6 से 7 सालों के बाद अहमदाबाद में क्रिकेट फिर से शुरू होने वाला है इस स्टेडियम में, इसे लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि हर टेस्ट मैच की सीरीज में एक पिंक बॉल टेस्ट होना चाहिए क्योंकि बदलाव कुदरत का नियम है और इस तरह का जरा सा बदलाव एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। दोस्तों यहाँ हमारे आज की इंडिया और इंग्लैंड सीरीज को लेकर बड़े अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स आपको जब तक सीरीज चलेगा तब तक हर दिन मिलेगा, इसलिए हमारे साथ यदि नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाए ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। और आईपीएल की अपडेट मैंने अलग वीडियो में बनाई है, उसे जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कंटेंट के साथ।